आपके सितारे में मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में आज जानेंगे उन कमोडिटीज के बारे में जिसमें आज एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। जानेंगे हमारे साथ इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी से कि आज कमोडिटी बाजार, बुलियन मार्केट और शेयर बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, वो कौन से शेयर्स होंगे, वो कौन सी कम्युनिटीज होंगी जिनके अंदर आज आप अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं और किन वक्त पर कम्युनिटी में खरीदारी करनी है और कब सतर्क रह के चलना है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे इस खास पेशकश के अंदर। आइए जान लेते हैं कर्नल अजय जी से। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वांगे टाइम्स टीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं पार्के टाइम्स के मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एग्रो कमोडिटीज के ऊपर, कच्चे तेल पर और शेयर बाजार में होने वाली विशेष हलचल, कहां आप फायदा और मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान, गौरतलब है बाजार ऊपर है या नीचे, क्या आप मुनाफा कमा रहे हैं। यदि आप मुनाफा नहीं कमा रहे हैं तो बाजार के ऊंचा या नीचा होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज मेष राशि के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मेष राशि के जो कारोबारी हैं, किसान बंधु हैं या फिर ट्रेडर्स हैं, वो बहुत एग्रेसिव और बहुत तेज और जल्दी निर्णय लेने के अंदर वो प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन उनकी एक कमी, एक परेशानी भी होती है, वो जल्दी निर्णय बदली भी कर लेते हैं, क्योंकि चर राशि के जो जातक हैं, मेष राशि चर राशि कहलाती है, वो एकदम से तेज निर्णय लेती है और कभी कभी उस निर्णय को तुरंत बदली भी कर लेती है, ये उनकी बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, मेष राशि के जो भी कारोबारी हैं वो निर्णय सोच समझ के लें और उसको जल्दी बदली ना करें तो आपको मुनाफा अधिक मिल सकता है। यद्यपि स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये था एक इंपॉर्टेंट और एस्ट्रोलॉजिकल बात। अब एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बनती है। एग्रो कमोडिटीज के अंदर आपको याद होगा हमने प्याज के ऊपर, कपास के ऊपर, गवार सीड के ऊपर हमने अपनी अग्रिम आकलन विश्लेषण दिए थे जो कि अक्षर सत्य साबित हो रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कपास के ऊपर भी। कपास के अंदर जो संभावना है वो तेजी की ही नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी जो अभी कपास का सीजन है वहां भी औसत से लगभग 5% से 6% की कम उत्पादन अभी तक तोड़ा गया है या वहां से पिकअप किया गया है। ये औसत पिछले साल के उत्पादन के इसी अवधि को ध्यान में रख के हम आपसे बात कर रहे हैं। कुल मिला के कपास के अंदर कोई बहुत बड़ी मंदी अभी नजर नहीं आ रही है। तो समय के अंदर एक आध दिन के अंदर वॉलिटिलिटी जरूर रह सकती है, लेकिन कपास के अंदर तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण कमोडिटी है गवार सीड, गवार सीड एवं गवार गम, जो कि पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात की एक विशेष फसल है। और गौरतलब है कि गवार सीड पूरे वर्ल्ड में भारतवर्ष एवं पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ही पैदावार इसकी होती है और इसका उपयोग ऑयल वेल्स, पेंट्स, मेडिसिन और दूसरे उपयोग में इसका उपयोग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग इसका ऑयल वेल यानी तेल के कुओं में सबसे अधिक होता है। गौरतलब है कि कच्चे तेल में भी बड़ी तेजी लगभग जारी है, तो इसका प्रभाव भी गवार सीड के मूल्यों पर पड़ता है। एक और गवार सीड का जो उत्पादन पिछले कई सालों से के मुकाबले इस साल बहुत कम आंका जा रहा है, इसके अतिरिक्त किसान भी गवार सीड को अच्छी क्वालिटी का जो गवार सीड है, चाहे वो येलो हो या व्हाइट हो, उसको वो बहुत कम मंडियों में ला रहा है। एवरेज जो गवार सीड है ब्लैक वाला वो तो उपलब्ध हो रहा है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का गवार मंडियों के अंदर पिछले सालों के मुकाबले बहुत कम उपलब्ध हो रहा है और किसान इसको रोक के चलने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। तो आज गवार सीड और गवार गम के अंदर
तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन गवार सीड और गवार गम का ये एक बुनियादी गणित है, लेकिन कहा जाता है कि जब बाजार तेज और मंदे होते हैं उसमें बुनियादी या फंडामेंटल गणित काम नहीं आता, कोई दूसरा गणित ही काम आता है। तो हमारे विशेष एपिसोड्स आप देखते रहिएगा, गवार सीड के ऊपर भी और कॉटन के ऊपर भी। याद कॉटन के ऊपर आपको याद होगा हमने ईयर ऑफ द कमोडिटी का दर्जा दिया था कपास को, जब कपास पूरी तरह से पिट रही थी जुलाई अगस्त के महीने के अंदर, और सितंबर का फर्स्ट हाफ भी कॉटन के लिए अच्छा नहीं था। उस वक्त हमने यही कहा था कि कपास ईयर ऑफ द कमोडिटी हो सकती है और इसके अंदर तेजी की संभावना बन सकती है। तीसरी कमोडिटीज हम आपको आपसे जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है कपास खली। पशु आहार में सर्वोत्तम माने जाने वाली कपास खली के अंदर भी मजबूती की संभावना है, इसमें भी कमजोरी की संभावना कम ही नजर आती है। ये था कृषि जिंसों पर एस्ट्रोफाइनेंस का अपना सीधा नजरिया, सीधी बात। अब शेयर बाजार में क्या संभावना बन सकती है? शेयर बाजार के अंदर उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। आपको याद होगा कल हमने बैंक निफ्टी के ऊपर कमजोरी की बात कही थी, ऊपरी स्तरों पर अक्षत सत्य साबित हुआ, बैंक निफ्टी के अंदर ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली दर्ज होगी। आज हम एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक आप नजर रख सकते हैं फार्मा और पेंट्स स्टॉक्स के ऊपर। पेंट्स के अंदर जो मार्केट लीडर है एशियन पेंट, उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। बर्जर पेंट पर भी नजर रखी जा सकती है। त्योहारी सीजन बिल्कुल सर पर है, इसका लाभ इन पेंट्स कंपनियों को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। मार्केट का सबसे बड़ा लीडर जो फेविकॉल ब्रांड के नाम से आता है उस पर भी आप नजर रख सकते हैं, इसमें भी तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन छोटी अवधि के जो व्यापारी कारोबारी हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी को अवॉइड करें तो आज के दिन बेहतर रहेगा। ये था शेयर बाजार में का अपडेट। अब हम चर्चा कर रहे हैं नॉन एग्रो कमोडिटीज के ऊपर कमोडिटी बाजार माफ कीजिएगा कमोडिटी बाजार के अंदर आज हम कच्चे तेल के अंदर कमजोरी की संभावना नजर आ रही है। गौरतलब है पिछले सप्ताह कच्चे तेल ने अच्छी मूवमेंट दी और कारोबारी सप्ताह मौजूदा सप्ताह के अंदर भी कच्चे तेल ने अच्छी मूवमेंट राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दर्ज हुई। लेकिन कहा जाता है चाहे जब कोई भी एक बड़ी तेजी बन जाती है तो उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली भी अक्सर आती है, ये बाजार का नियम है। जिस प्रकार हम सांस लेते हैं तो हमें सांस छोड़नी भी पड़ती है, चाहे कितनी ही लंबी हम सांस को होल्ड कर लें लेकिन एक सीमा के बाद आपको छोड़नी ही पड़ेगी। और बाजार में उतार चढ़ाव, लेन देन तेजी और मंदी ये एक जोड़ा होता है, ये अक्सर होता है। तो मुझे लगता है एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के अंदर मुनाफा वसूली की संभावना आजकल में बन सकती है। तो दोस्तों एक विशेष आग्रह, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एकमात्र तरीका या साधन या टूल है जो आपको अग्रिम अनुमान विश्लेषण कर बताती है। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने लगातार हमले से हमारी इस महत्वपूर्ण और रहस्यमय विद्याओं को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हम पिछले लगभग 25 सालों से लगातार इन मोतियों को इकट्ठा सहेजने का काम कर रहे हैं, विश्लेषण का काम कर रहे हैं, रिसर्च का काम कर रहे हैं। इस अनुसंधान में आपकी भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। यदि आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आते हैं तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने इन्हीं प्रोग्राम्स को आप अपने इष्ट मित्रों को भी अवश्य भेजें ताकि भारत की इन रहस्यमय विद्याओं का प्रमोशन हो, इनमें रिसर्च के लिए लोग आगे आएं और भारत पुनः ज्ञान विज्ञान के बल पर अपना विश्व गुरु का दर्जा हासिल करें, ऐसी हमारी कामना और आपसे अनुरोध है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो जैसे कि हमारे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने आज हमें बताया कि एग्री कमोडिटीज के अंदर ग्वार सीड, कपास खली में तेजी बनने की उम्मीद है और वैसा ही हम आज वायदा बाजारों में देख भी रहे हैं। ग्वार कॉम्प्लेक्स काफी शानदार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं कपास में भी जो आंकड़े हैं और जो फंडामेंटल्स हैं वो भी तेजी ही दर्शाते हैं। दूसरा, बात करें अगर कपास खली की तो कपास खली में भी आज कुछ निचले स्तर से खरीदारी बनते हुए नजर आई है। तो जो कर्नल अजय जी प्रिडिक्शन करते हैं वैसा ही हम वायदा बाजार में होते हुए देखते हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने पहले अभी तक जितनी भी प्रिडिक्शंस करी हैं, जैसे कि उन्होंने मानसून की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इस साल मानसून कैसा रहेगा, मानसून आने से काफ़ी महीने पहले उन्होंने ये भविष्यवाणी करी थी, वो भी सत्य साबित होती हुई नजर आई। उसके बाद उन्होंने सरसों, सोयाबीन, चना और ग्वार के ऊपर जितनी भी अभी तक अपनी रिपोर्ट्स दी हैं और भविष्यवाणी की हैं
वो भी अभी तक सत्य साबित होती हुई नजर आई है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। आप उन वीडियोस पर जाके देख सकते हैं, उन पर कर्नल अजय जी की फोटो लगी होगी और अपना लाभ उठा सकते हैं। उन जानकारी हासिल करके उन वीडियोस को देख के आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में बस इतना ही। नमस्कार।